नमस्कार दोस्तों, एनडीए के अगले भाग में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि एनडीए के इस भाग में, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस, इस भाग में हम जो लोग बहुत ही करीब से देखते हैं मौत को, उन लोगों के बारे में, उन लोगों ने जो भी देखा है उसके बारे में हम आपको कहने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो रोज़ के हमारे जीवन में जो अनुभव होते हैं हमें, उससे बहुत ही अलग होते हैं। इसलिए क्या होता है कि रोज़ के जो अनुभव है वो हम थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम अनुभव होते हैं जो हमें याद रहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन जो एनडीए के बहुत सारे मैंने देखा है कि अनुभव लोग नहीं भूल पाते। मतलब पहले भी मैंने कहा था कि 20 साल की उम्र में अगर किसी को एनडीए का अनुभव हुआ हो तो वो 80 साल की उम्र में भी उसे उसी तरह ही अनुभव कर पाता है या फिर उस तरह से महसूस कर पाता है, कि तब उसे पता चलता है कि ये थोड़ा सा कुछ अलग था, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ अलग था। तो ऐसे होते हैं एनडीए के अनुभव। ये बहुत ही मुझे लगता है कि अनुभव बहुत ही अलग होते हैं रोज़ के अनुभव से। आज का जो हमारा पहला एनडीए का अनुभव है वह है रिक वॉल्टर नाम के एक इंसान का। 2001 में क्या हुआ था कि उसकी सर्जरी होने वाली थी, उसका ऑपरेशन होने वाला था, और उसने कहा कि मैं पूरी तरह से बेहोश और मेरा ऑपरेशन चल रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे, मेरे अंदर कोई चेतना थी, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि वो क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी दर्द वगैरह नहीं हो रहा था मेरे शरीर को। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अपने शरीर को, अपने आत्मा को उन्होंने शरीर से बाहर निकलते हुए कुछ महसूस किया, और फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ही सारी चीज़ें मुक्त लग रही थी, मतलब रोज़ की तरह उन्हें नहीं लग रहा था, कुछ अलग सा लग रहा था। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो किसी अलग ही दुनिया में चले गए जहाँ पर बहुत ही सारी रोशनी थी और सूर्य प्रकाश बहुत ही था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे सूर्य अगर मिल जाए तो जो प्रकाश होने वाला है वैसा प्रकाश था वहाँ पर। और फिर भी उन्होंने कहा कि हम एक ही सूरज को नहीं देख पाते, लेकिन इतने सूरज में भी मेरी आँखों को या फिर मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, उल्टा मैं सुकून महसूस कर रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके सामने एक इंसान आया और उन्होंने उनको पहचान लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। अब क्या हुआ कि रिक के जो दादाजी थे वो उसके साथ थे, मतलब थोड़े साल उसके साथ थे, उसके बाद वो गुजर गए। लेकिन रिके कहता है कि मैं उन्हें डायरेक्टली नहीं पहचान पाया, क्योंकि उनका जो जैसे दिख रहे थे पहले वैसे तो नहीं दिख रहे थे। आज वो बहुत ही जवान लग रहे थे और बहुत ही खुश मिजाज इस तरह से लग रहे थे, लेकिन अब वो उन्हें नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन उसके दादाजी ने उससे ये कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन उसके दादाजी ने यही कहा कि मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारा वक्त नहीं आया है इस दुनिया में आने का। जब वक्त आ जाएगा तब मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मुझे भी तुमसे कहनी है और बहुत कुछ मुझे तुम्हें दिखाना है। तो ये बात उसके दादाजी ने कही। और वो थोड़ी देर उसने कहा कि मैं घूमा दादाजी के साथ, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी, मतलब उन्होंने कहा है कि नदी, तालाब या फिर सुंदर झरना, ऐसी चीज़ें उसने कही है देखे। और उसके बाद वो अपने शरीर में लौट आया। तो जब शरीर में उसके लौट आया तो उसको यही लगा कि मैं उसी वहाँ पर मुझे रहना था। लेकिन उसको दादाजी की अपनी याद आई बोलने की, दादाजी की बात की याद आई कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया, जब आओगे तब मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो रिक यही कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ उस दुनिया में भी जाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे रहकर अपना कर्म पूरा करना है या फिर मेरा प्रारब्ध जो भी है उस तरह से मुझे कर्म करके आगे बढ़ना है, इसलिए मैं वहाँ पे अभी नहीं जा सकता। लेकिन रिक कहता है कि वो दुनिया सचमुच बहुत ही सुखदायी है, बहुत ही अच्छी है। इसलिए रिक ये भी कहते हैं कि आपको मौत से कभी भी डरना नहीं चाहिए, आप हमेशा खुशी से जिए और खुशी से इस दुनिया से चले जाए। और वहाँ तो खुशी का बहुत ही, मतलब अच्छा ही एक ज़रिया है, और वहाँ पर दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये थी रिक की वाणी। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी केस है उनका नाम है मार्टिन पिंटो। 1996 को उनको अनुभव हुआ था। वो एक समंदर में तैर रहे थे और क्या हुआ कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन बीच में, मतलब ऐसा कुछ पल आया कि वो डूब गए पानी में और ठीक से, मतलब तैर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर पानी में होने की वजह से पूरा थक गया था। मैं अपने किसी तरह से, मतलब तैर के किनारे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं ठीक से नहीं जा पा रहा था। तो इसलिए वो थोड़े थोड़े कह रहे थे कि वहाँ पे जो धूप थी वो भी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पसीना भी सारा बह गया था, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह डिहाइड्रेट हो गया और उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं किसी तरह से किनारे पे जाके सोना चाहता था, लेकिन वो किनारे तक नहीं पहुँच पाए। और उन्होंने देखा कि वो धीरे धीरे से, मतलब उनके आँखों के सामने, मतलब कहते ना कि अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक अलग ही जगह पे गए। उन्होंने उस जगह का अगर वर्णन कहूँ तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी ना हो, मतलब उनको किसी के भी आने का या फिर वहाँ पे कोई ऐसा अंदेशा ही नहीं होता था। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम अगर इंसान कहीं पे गए और कोई नई जगह पे, तो वहाँ पर अगर कोई ना हो तो हमें नहीं पता चल सकता, या फिर कोई हो तो भी नहीं पता चल सकता, क्योंकि हम पूरी तरह से जागरूक नहीं होते, या फिर मतलब कहते हैं ना कि हम, मतलब हमारी मर्यादा उतनी नहीं है। अगर
आत्मा की बात करें तो वो सारी चीज़ें मतलब उसको महसूस हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार मैंने ये भी कहा आपसे कि जो आत्माएं हैं वो दूसरी आत्माओं को पहचान लेती है। अब क्यों कैसे पहचान लेना, मतलब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अगर वो सामने की आत्मा कोई है तो वो चार जन्म के पहले ये मेरा भाई था, इस तरह से वो पहचान लेती है, क्योंकि उसके अंदर मैंने कहा था कि ज्ञान का भंडार ही होता है आत्मा के अंदर। तो वैसा ही हुआ मार्टिन के साथ। मार्टिन कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था मेरे सिवा, और मैं वहाँ पर बहुत ही मतलब कुछ अलग सी ही फीलिंग थी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे सुखद लग रहा था या फिर दुखद, लेकिन कुछ अलग सी वाली फीलिंग थी वो। और उसके बाद वह कहते हैं कि वहाँ पे मैंने एक प्रकाश देखा और वो प्रकाश मेरी तरफ आ रहा था। उस प्रकाश को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई दिव्यता है, मतलब कहते हैं ना कि ये कोई मास्टर है या फिर कोई बड़ी आत्मा है। और उस बड़ी आत्मा ने बहुत ही अच्छे के साथ उसके साथ वार्तालाप शुरू किया, और उस आत्मा ने उससे यही कहा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जीने की कोशिश करनी होगी। पृथ्वी पर आज जो अराजकता है या फिर जो चीज़ें हैं उसमें तुम्हें अपने आप को ढालना होगा, और उस तरह से अपने कर्मों को विचारपूर्वक करना होगा। थोड़ा सा अलग कहूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि विवेकशील बनकर तुम्हें जीने की कोशिश करनी होगी। तुम बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर हो, तुम पृथ्वी पर फिर से जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। तो मार्टिन यह कहते हैं कि वो सारी बातें सुनकर उनको थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों कह रहे हैं। तो मार्टिन ने उनसे यही कहा कि दिल से ही कहा, मतलब टेलीपैथी संदेश जो होता है वैसे कहा, मुंह से नहीं, मतलब भाषा से कोई नहीं। लेकिन मार्टिन कहते हैं कि उनसे ये कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, यही दुनिया मुझे अच्छी लग रही है, और वहाँ पे तुम जैसे लोग भी हो जो मेरी केयर कर सकते हो या फिर मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो। लेकिन उस आत्मा ने यही कहा कि तुम पृथ्वी पर तुम्हारे साथ कोई दिखेगा नहीं, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने विचारपूर्वक कर्म करो। तो मार्टिन ये कहता है कि उसके एक दो सेकंड में ही वो डायरेक्टली नीचे गया, और उसको महसूस हुआ कि वो शरीर में है, और वो उसके अंदर वो पानी में ही था तब, वो कहीं भी नहीं गया था, वो पानी में ही, मतलब उसका मुंह था ऊपर ऐसे। तो उसने ये कहा कि उसके बाद मेरे अंदर कुछ ऐसी मतलब एनर्जी आ गई कि मुझे अंदर से ही शक्ति आ गई, और उस वजह से वो धीरे धीरे किनारे पर आगे मतलब तैरते तैरते वो किनारे पर पहुंचा और किसी तरह से किनारे पे गया। उसने ये कहा कि मुझे इस बार कोई भी मतलब थकान भी नहीं महसूस हुई, मुझे कुछ भी नहीं लगा। लेकिन उसने ये कहा कि मार्टिन ने वो उस जो आत्मा के जो शब्द थे कि तुम्हें विवेकशील बनकर काम करना होगा, पृथ्वी पर वक्त अच्छा नहीं है, ये सारे शब्द उसको थोड़े से मतलब डर पैदा कर रहे थे। और मार्टिन ने यही कहा कि उसके साथ उसके बाद दो साल बाद, मतलब कहते हैं कि 1998 तक उसके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई, बहुत उसने स्ट्रगल किया, परिवार में कुछ वाद विवाद तो इस तरह से उसकी चीज़ें हुई। लेकिन उसने कहा कि 1999 से मेरी मतलब थोड़ी सी आदत सुधारने लगी और मैं थोड़ा अपने आप को संभालने लगा, लेकिन इन सारी चीज़ों में वो हमेशा आत्मा मेरे साथ थी, इसका मुझे विश्वास था, क्योंकि आत्मा ने उससे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ है। तो ये जो मार्टिन की कहानी है वो ये मैं यही सिखाती है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा हमारे साथ है, चाहे वो हमें ना दिखाई दी हो। मैंने पहले भी कहा है आपसे अभी कि जो हमारा शरीर है उसकी बहुत सारी मर्यादा होती है, और इसलिए ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ को अगर ना देख पाए या फिर महसूस ना कर पाए तो वो चीज़ है ही नहीं, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। हमें विश्वास के साथ जीना होगा, क्योंकि विश्वास ही है ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना कि पत्थर में भी हमें भगवान दिखा देती है। तो ऐसा मार्टिन की ये कहानी हमें ये बताती है। तीसरी जो कहानी है वो है थॉमस टेलर नाम के इंसान की। 2003 में उनके साथ वाकया हुआ। वो जंगल सफारी के लिए गए थे, जंगल में घूमने के लिए। मार्टिन ने कहा है कि वो बहुत सारे जंगलों में घूमते थे, और बाद में उनको पता चला कि मैं अकेले भी घूम सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तो वो अकेले ही घूमते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इस तरह से नहीं घूमना चाहिए, या फिर तुम्हारे पास सारे वो चीज़ें होनी चाहिए जो अगर आप घूम गए हो तो। लेकिन मार्टिन को कहते ना कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे जितना क्या एक्सपीरियंस है वगैरह। तो थॉमस यही कहते हैं कि मैं बिंदास एक जंगल में चला गया था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो रास्ता भूल गए। जो जंगल में जाते हैं उनके साथ रास्ता भूलने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत बार होती है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ से आए हैं, हमें फिर से कहाँ पे जाना है। अगर चीज़ें भी हुई, मतलब जो कहते हैं ना दिशा दर्शक भी हुआ, होका यंत्र बोलते हैं उसे, तो वो भी अगर हुआ तो भी हमें नहीं पता चलता कभी कभी, क्योंकि बाहर से देखने पर मतलब बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अब अगर जंगल में गए तो सारी चीज़ें एक समान ही लगती है, और दृष्टिभ्रम भी हो जाता है जंगल में, क्योंकि हमें लगता है कि यही रास्ता होगा या फिर यही चीज़ें होगी, लेकिन कभी कभी वो गलत भी होता है। थॉमस यही कहते हैं कि उन्हें बाद में थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो घूम गए, और वो पूरी तरह से मतलब
रास्ता भटक गए, अब करे क्या। तो मार्टिन यही कहे, थॉमस यही कहते हैं कि 3-4 दिन वो किसी तरह से सर्वाइव कर पाए वहाँ पे, किसी तरह से ज़िंदा रहने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो पूरी तरह से विफल हुए और उन्होंने यही कहा कि अब मैं सच कहूँ तो मौत को ही गले लगाने वाला था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने यही कहा कि मैं आत्महत्या की कोशिश में मैंने अपने हाथ की नस काट दी और उसके बाद वो नीचे गिर पड़े। और थॉमस ये कहते हैं कि मुझे मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं यहाँ से छूट जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा तो इस सारी चीज़ों से छूट जाऊंगी। लेकिन थॉमस यही कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे मतलब होश में खो बैठा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन एक ऐसा पल आया जब मैं बहुत ही अच्छा महसूस करने लगा, मुझे नहीं लगा कि मुझे क्या हो रहा है। और उन्होंने एक उदाहरण जैसे उनका अनुभव हुआ है वैसे मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं एक अंधेरे खोली में था, अंधेरे रूम में था, मेरे आजू बाजू कुछ भी नहीं था, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन वो कहते हैं कि एक आवाज़ मुझे सुनाई दी और उस आवाज़ ने उनसे ये कहा कि तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में लड़ सकते हो उस तरह से लड़ने की कोशिश करो, तुम्हें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़के भी अगर तुम्हें कुछ ना मिले फिर भी तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसी ज़िंदगी को ही सराहना की जाती है। मतलब आपको कहूँ कि हमारे सामने अगर रास्ता नहीं हो और फिर भी हम लड़ रहे हैं तो ऐसे लड़ने को भी कीमत दी जाती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जिस तरह से होता है कि दो अगर लोगों ने बहुत सारी मेहनत की तो उनमें से एक समझो यशस्वी हुआ और दूसरा कामयाब नहीं हो पाया, तो क्या होता है कि जो कामयाब हुआ है उसे सर पे चढ़ा के उसका मतलब उसकी तारीफ की जाती है, और जिसने प्रयत्न करके भी जो विफल हो गया है तो उसको देखा भी नहीं जाता। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को कोई भी महत्व नहीं देता पृथ्वी पर, लेकिन उस आत्मा का कहना यही था कि आप प्रयत्न करो, प्रयत्न को महत्व दिया जाता है ना कि हार मानने वाले इंसान को। इस तरह से उस थॉमस को इस आत्मा ने कहा। तो थॉमस ने यही कहा कि मैं भी इसलिए तैयार हूँ। थॉमस एक मतलब कहते हैं ना कि एक लड़ने वाले इंसान, देखो कोई डरपोक तो नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों ने 3-4 दिन एक अकेले जंगल में घूमना सचमुच बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही आसान नहीं है ये। तो इस तरह से चीज़ें हुई और थॉमस कहते हैं कि मैं अंदर से मेरे वैसे ही मतलब जिस तरह से मार्टिन ने कहा था अंदर से शक्ति आ गई और वो फिर से मतलब वहाँ पे ही पड़े हुए थे। और उन्होंने किसी तरह से कहा कि अपना हाथ मैंने किसी तरह से बांधा कपड़े से और वहाँ से जितना हो सके, बाद में उन्होंने अपनी सर्वे में एक स्टोरी कही है कि वो पानी ढूंढने लगे और पानी की दिशा जिस तरफ जा रही थी वहाँ से उन्होंने नदी को ढूंढा, तो उस तरह से उस नदी के वहाँ पे और भी एक दिन उनको रात में रुकना पड़ा, लेकिन क्या हुआ कि नदी होने की वजह से वहाँ पे कुछ मछलियाँ भी उनको खाने के लिए मिली और उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी, मछलियाँ किस तरह से पकड़नी है, किस तरह से मैन वर्सेस वाइल्ड में जिस तरह से दिखाते हैं उस तरह से चीज़ें उनको थोड़ी पता थी थोड़ी बहुत। तो धीरे धीरे उनको उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें बोट की आवाज़ आई और उसके बाद वो बोट को उसको बोट वाले को उन्होंने बहुत ही ज़ोर से चीखे उस हेल्प के लिए और उसके बाद वो बोट वाले ने भी उनको मदद किया और उसके बाद वो अपने ठीक ठाक से घर पे लौट आए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो आवाज़ आई थी वो बहुत ही मतलब उन्होंने कहा है कि एक पवित्र आत्मा की जैसी थी, वो कुछ ऐसा इंसान था या फिर ऐसी कुछ आत्माएं थी जो हमें हमसे भी ज़्यादा हमें जानती है, तो इस तरह से उन्होंने कहा है। तो आज की जो 3 कहानियां हमने सुनी, रिक वॉल्टर की, मार्टिन पिंटो की और थॉमस टेलर की, इन्होंने सचमुच एक मुझे लगता है कि ज़िंदगी में लड़ना सीखना चाहिए। मुझे पता है कि ज़िंदगी जीनी बहुत ही मुश्किल है या फिर ज़िंदगी जीने में बहुत ही मैंने पहले भी कहा था कि हर रोज़ जहर पीने के जैसा है, मुझे पता है, लेकिन हमें लड़ना होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के जैसे वहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल हुए यशस्वी हुए अपनी ज़िंदगी में तो कामयाब हुए तो ही आपको कीमत दी जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आप प्रयास भी करेंगे तो भी आपको सराहों पर बिठा के रखेंगे, वहाँ पे लोग वहाँ पे आपकी बहुत ही इज्जत करेंगे, आपको उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। आप अपना कर्म कीजिए और कभी भी हार मत मानिए, यही कहानी है आज की। तो एनडी का ये जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आपके कोई भी सवाल आप ज़रूर पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा उसका जवाब देना। और अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना, हमेशा ईश्वर और पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अपने जो लोग हैं वो भी आपके साथ है, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा खुश रहे, भगवान आपके साथ हमेशा है, हमेशा आपको खुश रखे। धन्यवाद।